हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 1 का 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 1 का 4 देखेंगे। चलिए देखते हैं 1 का 4 कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग इसका नेचर निकालते हैं। तो ए सबसे पहले कर लेंगे सॉल्यूशन में, ए इक्वल टू हम लोग क्या 2, और फिर बी इक्वल टू हम लोग का क्या है, बी इक्वल टू हम लोग का 1, और सी इक्वल टू हम लोग का क्या है 4। ठीक है, तब हम लोग आगे निकालते थे, डी निकालते थे हम लोग। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, चलिए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस में 2, सी के प्लेस में 4। ठीक है, और कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा सी 4 टू ज़ा 8 4 ज़ा 32। ठीक है, अब देखिए माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 32 में 1 माइनस करेंगे तो 31, बड़ा कौन है 32, इसके पहले किसका साइन है माइनस, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि जब नेगेटिव आता है तो हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करता, और ये हम लोग का ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो कि डी क्या है छोटा है किससे, 0 से। ठीक है, इसमें ठीक है माइनस आ रहा है, इसलिए क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका हम लोग इतना ही छोड़ देंगे, ये हम लोग का आंसर नहीं आएगा, आगे नहीं बनेगा, क्योंकि क्या हो गया इसमें नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो हम लोग को इतना ही छोड़ देंगे, हम लोग लिख सकते इसमें हम लोग लिख सकते इट इज़ नॉट सॉल्यूबल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।